20 ओपी हमने देखा एक नया एडिशन है। लेट्स सी वो टीम के साथ कैसे जलब करते हैं, बिकॉज जब ये अपने लीग के मैचेस खेल रहे हैं काफी बेहतर इनका परफॉर्मेंस रहता है। स्टिल रिमेंबर जब ये यू मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं तब एकदम से जब स्टार्टिंग एग्रेशन था वो 420 ओपी ने बहुत बेहतरीन दिखाया था। पहले दिन में इनके डबल डिजिट किल्स पहुंच गए थे। प्ले जोन नोवा गॉड लाइक वेम्पायर को लेकर जाता है, लेकिन यहां पर है ब्रिज कैंप। हमें पता है जॉनथन ब्रिज कैंप में क्या कर 1v4 देगा, लेकिन ऑरेंज रॉक के गिल वहां पर पिक ऑफ हो जाते टीम सीक्रेट के यूआई के द्वारा। लेकिन अब टीएसएम एंट्री आई थिंक दैट इज हायर रोड यहां पर फाइट्स के लिए। नियो आगे की तरफ को जा रहे हैं, स्पॉट किया जा चुका है बिगेट्रॉन के प्लेस के द्वारा, उनको एंड बगी की आवाज भी आ गई होगी। लेकिन टीएसएम एंट्री चार्ज कर रही है यहां पर, लेकिन जॉनथन डाउन हो जाते हैं लक्सी के द्वारा। पहला नॉक यहां पर देखने को मिलता है बिगेट्रॉन के खाते से। नियो की भी हेल्थ थोड़ी सी कम है, बट बिगेट्रॉन जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। लक्सी ने वहां पर सी गॉड को भी डाउन कर दिया। नियो की हेल्थ कम है, स्पॉटिंग हिम, टेकिंग हिम डाउन एज वेल आउट देयर। तीन प्लेयर्स डाउन है लक्सी के द्वारा। क्लच गॉड अकेले बच्चे, विल ही बी द क्लच गॉड इन दिस वन? सक्सी भी क्लोज आ चुके हैं, सक्सी के लिए मुश्किल हो सकती है, बट क्लच गॉड इज आउट देयर। टीएसएम एंटिटी गेट्स एलिमिनेटेड बाय बिगेट्रॉन। Oh my goodness, Ocean, ये क्या देख लिया हमने? ये एक का जो फाइट थी हमको लगी थी कि काफी टाइम तक चलने वाली, बट ये जो ब्रिज कैंप हुआ था BTR के द्वारा, दिस वॉज क्रेजी। बट लक्सी इसी के साथ समाप्ति नहीं हुई उनकी, और आगे भी बढ़ते जाएंगे क्योंकि यूडो गैंग के जंपर को भी उन्होंने नॉक कर दिया। फ्रेड ऑल अकेले पड़ चुके हैं यहाँ पे।